अगर आप भी कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहते हैं तो सारा अली खान ने दिए हैं कुछ टिप्स। हालांकि ये टिप्स बहुत से लोगों के लिए काफी मुश्किल हैं, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल हो वो ट्राई कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में कार्तिक सारा फिल्म को प्रमोट करते हुए इंटरव्यू दे रहे थे कि तभी सारा से कार्तिक को डेट करने को लेकर सवाल हो गया। सारा ने भी बेबाकी से जवाब देते हुए कह दिया कि अगर कार्तिक को डेट करना चाहते हैं तो फिर कॉफी विद करण में जाइए। सारा का जवाब सुनकर फैंस भी काफी शॉक रह गए। हाल ही में बॉलीवुड 2020 में हमने आपको बताया था कि फिल्म KGF चैप्टर 2 में रवीना टंडन की एंट्री हो गई है। इस फिल्म में रवीना रमिका सेन का किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म के सेट से आए दिन कोई ना कोई पिक्चर सामने आती ही रहती है और एक बार फिर सेट से एक पिक्चर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस पिक में रवीना और यश साथ में कैमरे को पोज देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इस पिक को यश ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। पिक शेयर करते हुए यश ने रवीना का सेट पर वेलकम भी किया है। पोस्ट शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा, रमिका सेन मे नॉट बी वेलकम टू रॉकीज टेरिटरी बट रवीना मैम इज डेफिनेटली मोर देन वेलकम टू यश होम टाउन। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड मैम, लेट्स हैव अ ब्लास्ट। अरिजीत सिंह ने 9 करोड़ रुपए में मुंबई में खरीदे 4 फ्लैट। सिंगर अरिजीत सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। बॉलीवुड में कई हिट गाने गा चुके अरिजीत सिंह ने एक साथ 4 फ्लैट खरीदे हैं। उन्होंने ये सभी फ्लैट्स मुंबई के वर्सोवा इलाके में खरीदे हैं। सभी फ्लैट्स एक ही बिल्डिंग में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अरिजीत ने इन सभी फ्लैट की रजिस्ट्री 22 जनवरी को कराई थी। चारों फ्लैट 6th फ्लोर पर है। सभी फ्लैट की कीमत भी सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार पहला फ्लैट 32 स्क्वायर मीटर का है जिसकी कीमत लगभग 1.80 करोड़ रुपए है। दूसरा फ्लैट 70 स्क्वायर मीटर का है जिसकी कीमत 2.20 करोड़ बताई जा रही है। तीसरा फ्लैट 80 स्क्वायर मीटर का है जिसकी कीमत 2.60 करोड़ रुपए है। वहीं चौथा फ्लैट 70 स्क्वायर मीटर का है जिसकी कीमत 2.50 करोड़ रुपए है। इस तरह अरिजीत सिंह ने चारों फ्लैट के लिए तकरीबन 9 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिल्म निकम्मा से बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। बिग स्क्रीन पर शिल्पा को देखने में तो अभी वक्त है, लेकिन शिल्पा सोशल मीडिया पर अपने फैंस से हमेशा कनेक्ट रहती हैं। टिकटॉक पर भी शिल्पा काफी एक्टिव हैं। हाल ही में शिल्पा ने वैलेंटाइन वीक पर बेस्ड एक टिकटॉक वीडियो बनाया जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आ रहे हैं ना वैलेंटाइन डे, रोज डे, हग डे, किस डे, फलाना डे, डिमका डे, ये सब शादी के पहले के चोचले हैं। शादी के बाद तो बस कपड़े दे, रजाई दे, खाना दे, सोने दे, जीने दे, बस यही है सब। दिशा पाटनी अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी फिजिक को लेकर भी काफी लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं। दिशा आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और वर्कआउट वीडियोस शेयर करती रहती हैं। फिटनेस को लेकर मिस पाटनी काफी सीरियस रहती हैं और वो अपना डेली वर्कआउट कभी मिस नहीं करती हैं। हाल ही में दिशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वेट लिफ्टिंग की एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में दिशा 60 केजी वेट अपने शोल्डर पर कैरी किए नजर आ रही हैं। दिशा अपनी हर एक्सरसाइज अपने ट्रेनर की निगरानी में रहकर करती हैं। बोल्ड ड्रेस पहनने पर नुसरत भरूचा हुई थी ट्रोल, अब ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। नुसरत भरूचा हाल ही में फिल्मफेयर अवार्ड्स में ग्रीन कलर का एक बोल्ड ड्रेस पहनकर पहुंची थी। नुसरत के उस ड्रेस को मिक्स्ड रिस्पांस मिले थे। कुछ को उनका ये ड्रेस काफी हॉट लगा तो कुछ ने उन्हें इस ड्रेस के लिए ट्रोल किया। उन ट्रोलर्स को अब नुसरत ने अपना बिंदास जवाब दिया है। नुसरत ने कहा, हमारे देश में सभी किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, तो जैसे सभी अपना सुझाव दे सकते हैं उसी तरह मुझे भी हक है कि मैं अपनी पसंद के आउटफिट्स पहनूं। नुसरत ने आगे कहा, अगर ड्रेस अच्छे से फिट नहीं होता या वो परफेक्ट नहीं रहता तो मैं बिल्कुल भी उस ड्रेस को नहीं पहनती। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स की इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने शुभ मंगल ज्यादा सावधान के स्टारकास्ट को सन एंड सैन स्टूडियो के बाहर कैप्चर किया। यहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट फिल्म को प्रमोट करती नजर आई। इसके अलावा वरुण धवन को भी हमने जुहू के बाहर कैजुअल लुक में कैप्चर किया। टाइगर श्रॉफ को भी हमने सनी सुपर साउंड स्टूडियो के बाहर कैप्चर किया। जाह्नवी कपूर को भी हमने दो अलग अलग जगह पर स्पॉट किया। नौरा फतेही को भी हमने ऑपट पर कैजुअल लुक में कैप्चर किया। विधु विनोद चोपड़ा, आदिल खान और सादिया खान को भी हमने फिल्म शिकारा के प्रमोशन के लिए केसी कॉलेज में स्पॉट किया। इलियाना डुक्रूज को भी हमने बैंड्रा में स्पॉट किया।
गीता बसरा और हरभजन सिंह को भी हमने स्पॉट किया। हिना खान को भी हमने अंधेरी में कैप्चर किया।